इंडियन आर्मी। गट्टू चिंकी और उसके दोस्त छत पर इकट्ठा हुए थे। कब आएंगे? अरे आते होंगे, आएंगे और पलक झपकते ही गायब हो जाएंगे। वो देख आ गए। यह सुनकर गट्टू चिल्लाने लगता है, आ गए आ गए। मम्मी पापा छत पर भागते हुए आते हैं। वो देखो, वो आ रहे हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। राफेल विमानों की आवाज आसमान में गूंज रही थी। 5 विमानों की एक टुकड़ी हवा को चीरती हुई शान से आ रही थी। राफेल विमानों को देखकर सब सैल्यूट करते हैं। पलक झपकते ही एक एक राफेल विमान हवा को चीरता हुआ दूर चला जाता है। चलो आ गए राफेल, राफेल से हमारे देश की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अब हमारे जवान दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अंकल राफेल नहीं आते तो हमारा क्या होता? ऐसा नहीं है बेटा, माना कि राफेल आने से हमारी ताकत कई गुना बढ़ गई है, पर राफेल बस एक लड़वैया विमान है। हमारी असली ताकत है हमारे नौजवान, जो सरहद पर दिन रात पहरा देते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। पापा, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा ना हमारे जवानों को। मुश्किलें ही मुश्किलें होती हैं। सरहदी इलाकों का वातावरण बहुत प्रतिकूल होता है। रेगिस्तान में अंगारे बरसते हैं और कश्मीर में बर्फ के गोले। फिर भी जवान अपनी परवाह किए बिना डटे रहते हैं। बहुत बहादुर और हौसलेबाज हैं हमारे जवान। उनके बुलंद हौसले और बहादुरी से ही तो हम कारगिल जैसे युद्ध में विजयी हुए। हमारे जवान इतने बहादुर हैं कि दुनिया कांपती है इंडियन आर्मी से, और हमारे जवानों को सम्मान भी देती है। सच में हमारी आर्मी सम्मान और अभिमान की हकदार है। हमें भी अपने जवानों के प्रति आदर और निष्ठा रखनी चाहिए। पर कुछ लोग हमारे जवानों का सम्मान नहीं करते पापा। मैं मम्मी के साथ ट्रेन में यात्रा कर रहा था तो मैंने क्या देखा मालूम है? क्या देखा? एक जवान को कोई जगह नहीं दे रहा था बैठने को। फिर वो नीचे बैठा और बैठे बैठे सो गया। फिर क्या हुआ? फिर भैया ने उन्हें उठाया और उन्हें अपने पास बैठने की जगह दे दी। वाह गट्टू, सच में शर्म आनी चाहिए लोगों को। अरे भाई, जवान हमारी हर तरह से रक्षा करते हैं। जब हमारे शहर में बाढ़ आई थी और शहर पानी में डूब गया था तो जवान ही आए थे हमें पानी से बचाने। लोगों को हेलीकॉप्टर में बिठाकर सुरक्षित जगह ले गए थे। आग हो, पानी हो, भूकंप हो या कोई और विपदा, जवान हमारी रक्षा और सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए हमें भी उनकी मदद करनी ही चाहिए। पापा, इंडियन आर्मी के बारे में कुछ बताओ ना। बेटा, इंडियन आर्मी की 3 प्रमुख सेनाएं होती है, थल सेना, नौ सेना और वायु सेना। थल सेना जमीन पर रहकर हमारी रक्षा करती है, नौ सेना समुद्री इलाका सिक्योर करती है और वायु सेना आसमान। और ये इसलिए क्योंकि शत्रु राष्ट्र का सैन्य हो या आतंकवादी, हमला कहीं से भी कर सकते हैं। इसलिए भूमि, जल और आकाश सब पर कड़ी नजर रखती है हमारी इंडियन आर्मी। आर्मी की ट्रेनिंग भी तो काफी कठिन होती है। कठिनतम ट्रेनिंग देकर आर्मी को ट्रेन किया जाता है ताकि हर हालात में वो मुकाबला कर सके। तुम्हारे मामा भी तो आर्मी में है। वो बता रहे थे इमरजेंसी में उन्हें खाना पीना भूलना होता है। बड़ी बड़ी बंदूकें, बम और वजनदार सामान लेकर पहाड़ों और रेगिस्तान में दौड़ना होता है। गोलियों की बरसात से बचकर भागना होता है। बाप रे, ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो गए। सोचो जरा, सुनकर ही हमारा यह हाल है। आर्मी को तो रोज ऐसी जिंदगी का मुकाबला करना होता है और वो शान से करते हैं। मैंने सोच लिया पापा, बड़ा होकर मैं भी आर्मी में भर्ती हो जाऊंगा, देश की रक्षा करूंगा। हाँ, मैं भी आर्मी मैन बनूंगी। हमें तुम पर गर्व है बच्चों, तुम्हें देश की सेवा करनी है। पर याद रखो, आर्मी में भर्ती ना भी हुए तो कम से कम एक अच्छा नागरिक बनो, देश से प्रेम करो, सजग रहो और आर्मी का सम्मान करो। एक सजग और आदर्श नागरिक एक सैनिक के बराबर होता है। देश के सारे नागरिक सजग और आदर्श बन जाए, आपसी झगड़े और मन मुटाव भूलकर देश उन्नति का कार्य करे, तो आर्मी का काफी भार हल्का हो सकता है। आप ठीक कह रहे हैं पापा,
हम सजग और आदर्श नागरिक भी बनेंगे और देश की आर्मी का सम्मान भी करेंगे और सदा सहायता भी करेंगे। बोलो भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।